इवनिंग. आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 सीबीएसई का इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी. आज की टॉपिक हम आपको कवर अप करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बताएंगे, चार्ज के बारे में बताएंगे, अमीटर के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज में कितनी जरूरत है, ये सारी चीजों का आज हम डिस्कशन करेंगे. अगर आप इन सारी चीजों से ऑलरेडी अवेयर हो तो इस वीडियो में सिर्फ हम यही कवर अप करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल के साथ. अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप इस वीडियो को स्किप करो, नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे उस वीडियो को आप डायरेक्टली देख लेना. तो आइए शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक करेंट इलेक्ट्रिसिटी. ये आपका अपना चैनल फ्री लर्नर, मेरा नाम प्रभात रंजन. सबसे पहले हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि जैसे हवा ब्लो करता है, जैसे अगर विंड ब्लोज करता है तो हम क्या कहते हैं कि इस विंड में क्या है, विंड करेंट है. ठीक, विंड ब्लो किया तो हम बोलते हैं क्या है, इसमें विंड करेंट है. जैसे अगर कहीं पर पानी की धारा बहुत तेज फ्लो करती है, अगर वाटर फ्लो करती है, वाटर फ्लोज काफी स्पीड से अगर फ्लो करती है तो हम क्या बोलते हैं, इसमें वाटर करंट है. सेम उसी तरह अगर किसी कंडक्टर में, किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है तो हम क्या बोलेंगे कि उसमें अगर चार्ज फ्लो करता है तो हम क्या बोलेंगे कि उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, चार्ज फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन की वजह से. चलिए इसको हम डिटेल में फिर से आपको बताना चाहते हैं. सबसे पहले वाटर विंड ब्लो किया तो विंड करेंट, वाटर फ्लो किया तो वाटर करेंट. उसी तरह अगर चार्ज फ्लो करेगा, किसमें फ्लो करेगा चार्ज, तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि कंडक्टर में फ्लो करेगा. ठीक, तो हम बोलेंगे कि उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करेंट. मतलब अगर कहीं पे हवा तेज चलती है तो हम बोलेंगे विंड करंट है, वाटर फ्लो करती है तो हम बोलेंगे वाटर करंट है, अगर चार्ज फ्लो करती है किसी कंडक्टर में तो हम क्या बोलेंगे उसमें, इलेक्ट्रिक करंट है. इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से. ठीक सर, अभी अभी आपने बोला कि चार्ज फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर चार्ज क्या होता है. तो चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू द कंडक्टर. प्रोड्यूसेस चार्ज, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उस कंडक्टर से, वो हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, चार्ज. चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से. चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से. हमने आपको पहले विंड करंट बताया, वाटर करंट बताया, चार्ज जब किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो हमने बोला उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. तो चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, देन वी विल से दैट देयर इज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर. चार्ज, तो सबसे पहले आपने जो चार्ज बोला, तो चार्ज क्या होती है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई एक कंडक्टर है उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा हम बोलेंगे उतना चार्ज उसमें प्रोड्यूस हो रहा है. चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, कहीं कहीं कैपिटल क्यू से, कहीं कहीं स्मॉल क्यू से, कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहां तक बातें समझ में आई, तो यहां से इस डिफिनेशन से हम ये बना सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू एन ई, जहां हमारे पास क्यू जो है वो चार्ज है, एन जो है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई जो है हमारे पास, जो ई है हमारे पास, ये है हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज होती है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन पे. ठीक, तो यहां से अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होती है, तो हम आराम से चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, एक कूलम, दो कूलम, ये पता कर सकते हैं. कूलम क्या है सर, तो चार्ज की जो यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं कूलम, और इसे हम डिनोट करते हैं सी से. यहां तक कोई डाउट है आपको?
ठीक, तो इसमें हमने आपको विंड करंट के बारे में बताया जब हवा तेज चलती है, वाटर करंट के बारे में बताया जब हवा सॉरी वाटर तेज चलती है, पानी तेज चलती है, चार्ज जब किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होती है। तो चार्ज क्या होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोस थ्रू द कंडक्टर, जिसकी वजह से चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट कूलम्ब होती है, कूलम्ब को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। क्यू इज इक्वल टू एन ई, यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इतना चार्ज होगा, दो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इसमें टू मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां पे माइनस 19 कूलम्ब है। कोई डाउट, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, कर लिया नोट डाउन, आगे बढ़े। अब देखते हैं, अगर यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे आ गया यहां पे, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, कहा जाएगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू दी कंडक्टर टू प्रोड्यूस वन कूलम ऑफ चार्ज। कहता है कितने इलेक्ट्रॉन को एक कंडक्टर से पास कराना होगा ताकि हमें एक कूलम चार्ज मिले, यानी हमारे पास क्यू क्या है, वन कूलम। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो पूछता है बताइए एन कितनी होगी जब हमें एक कूलम चार्ज लाना होगा। हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्यू की जगह हमारे पास है 1 कूलम, एन हमें फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन की जगह है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम इज एन, कूलम कूलम गेट्स कैंसिल, इस 10 टू दी पावर 19 को ऊपर लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 10 टू दी पावर 19 अपॉन 1.6। इसको हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19, ऊपर ही है, इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर में एक जीरो आ जाएगी, 2 5 जा 2 8 जा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 6 जा 48, 2 5 इंटू 10 टू दी पावर 19, यानी अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, यानी इतने इलेक्ट्रॉन को अगर हम पास करेंगे एक कंडक्टर से तब जाकर एक कूलम चार्ज प्रोड्यूस होगा। आई बात समझ में, यानी 6 इंटू, बुक में डायरेक्टली आपको इसको अप्रोक्स दिया गया है, 6 इंटू 10 टू दी पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड फ्लो थ्रू अ कंडक्टर टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये हमने आपको डायरेक्टली आंसर चाहते तो लिखवा सकते थे, हमने डायरेक्टली करके नहीं लिखवा, समझ में आई बात। बार बार आप सर कंडक्टर की बात कर रहे हो, तो कंडक्टर क्या होता है ये ऑलरेडी आप जानते हो, फिर भी हम आपको डिटेल करते, जिन बच्चों को आता है वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ते चले जा सकते हो आप लोग, ठीक। तो ये समझ में आया, अच्छे से कैलकुलेशन है, कहीं पे अगर मिस्टेक हुई हो तो सॉरी, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू 6 इंटू 10 टू पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड फ्लो थ्रू अ कंडक्टर टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज। नोट डाउन कर लिया इसे, इरेज कर। चलिए, तो अब आप बार बार सर कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सारी चीजें भी समझते हैं। चार्ज तो आपने बता दिया इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर की। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करेंट टू फ्लो थ्रू देम, विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करेंट टू फ्लो थ्रू देम, और विच डू नॉट अलाउ the electric current to flow through them, जो allow करता है उसे हम conductor बोलते हैं, जो अपने से electric current को pass नहीं होने देता। तो इसके example में आप क्या लिख सकते हो, जितने सारे metal है, all metals, ठीक, जितने metals है सारे, non metals में एक हमारा graphite है, बहुत सारे example, इसके example क्या दे सकते हो आप, rubber, चॉक, पेन, ब्लैक बोर्ड, कुछ भी, व्हाइट बोर्ड, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो रियल वर्ल्ड्स। तो कंडक्टर विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, इंसुलेटर विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम।
ये बातें समझ में आई। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन की डिनोट करते हैं, इसको डिनोटेड बाय ई माइनस, यानी इस पे जो है ना वन माइनस का चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है इस पे। इसकी जो चार्ज होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होती है। ठीक, आई बात समझ में। ये अप्रोक्स हमने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसे हम डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर घूमता है। यही जो इलेक्ट्रॉन है, ये हमें मूवेबल जो इलेक्ट्रॉन है वही मदद करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में, चार्ज को फ्लो करने में। यहां तक कोई डाउट? अच्छे से समझ में आई बात? नो डाउट। पर आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको चार्ज बता दी, इलेक्ट्रॉन बता दी, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे ये बता दिया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। पहले सर्किट का बात करते हैं। सर्किट होता क्या है? अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ, क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड मतलब स्विच बंद होना चाहिए, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ है तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक, जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। और ओपन सर्किट में क्या हो जाएगी हमारे पास? ये बल्ब रहेगी, स्विच को ओपन छोड़ देंगे तो हमारी ये ओपन सर्किट हो जाएगी। आई बात समझ में? ये ओपन सर्किट है तो यहां पे बल्ब डज नॉट ग्लो, ग्लो नहीं करेगा, और यहां पे बल्ब ग्लो करेगा। तो यानी इलेक्ट्रिक सर्किट वो सर्किट है जो करंट को पूरा फुलफिल होने दो, जहां से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो वहां तक आने दो। मतलब अभी सिर्फ डिफिनेशन पढ़ते हैं, आगे जब आगे आपको बताएंगे तो सारी बातें समझ में आएगी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट अ क्लोज्ड एंड अ कंटिन्यूअस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत देर से हम इलेक्ट्रिक करंट 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 की बात किए जा रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में आपको कुछ बता नहीं रहे। ठीक, तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट देखो, अभी अभी हमने बताया था कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो चार्ज प्रोड्यूस करेगा। ये डायरेक्टली कहता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। अब कंडक्टर इंसुलेटर हमने आपको ऑलरेडी डिक्टेट कर दिया है, इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। क्यू यानी इलेक्ट्रॉन जितना फ्लो करेगा उतना चार्ज प्रोड्यूस होगा, और उतना जितना चार्ज फ्लो करेगा उतना करंट प्रोड्यूस होगा। इसको हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ठीक, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। कोई डाउट है? यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कंसिडर टू बी इलेक्ट्रिक करंट। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, लेकिन यहां से अगर हम बात करें तो क्यू की यूनिट हमने आपको ऑलरेडी बताया है कूलम होती है इसकी यूनिट, और इलेक्ट्रॉन की भी सॉरी टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो यहां से अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं, अगर एक कूलम चार्ज है और एक सेकेंड में फ्लो कर रहा है, यानी वन कूलम सेकेंड माइनस वन, यानी आई इज इक्वल टू वन एम्पियर। तो हमने यहां से एक रिलेशन देखा कि वन कूलम पर सेकेंड इज वन एम्पियर। तो हम कह सकते हैं व्हेन वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इट इज कंसिडर्ड टू बी वन एम्पियर ऑफ करेंट थ्रू दैट कंडक्टर। लिख सकते हैं इसको कि व्हेन वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस थ्रू दी कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड
1 एम्पियर करंट। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, दिख रहा है आपको, एक बार आप क्रॉस चेक कर ले। हाँ अच्छे से दिख रहा है। ठीक, तो 1 कूलम पर सेकेंड इनवर्स का मतलब 1 एम्पियर। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम और इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड 1 एम्पियर ऑफ करेंट। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपसे, डिफाइन 1 एम्पियर करेंट। तो आप बोल सकते हो कि जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम में तो 1 एम्पियर करेंट प्रोड्यूस होगा। यहां तक कोई डाउट? अच्छे से समझ में आया। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करेंट। नोट डाउन किया इसे, जल्दी करो। चलिए, अगर आपको ये सारी बातें का नॉलेज है तो अब इसे आप चाहो तो 2x में भी देख सकते हो, यूट्यूब पे सारी फैसिलिटी है हमारे पास। अब हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो कहा जाता है, कन्वेंशनली लिया गया, कन्वेंशनली इस बात को माना गया है, क्योंकि करंट का फ्लो, चार्ज का फ्लो, ये सारी चीजें क्या है, वर्चुअल चीजें। रियल में हम चार्ज का फ्लो देख पाते हैं आंखों से? नहीं। तो माना गया है कन्वेंशनली दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज इन दी अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज इन दी अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होती। तो कहा जाता है कि जो हमारा कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ता है, निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल। एक सेकेंड। ठीक, तो इसकी डायरेक्शन होगी निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन की जो हमारी डायरेक्शन है वो क्या है? निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, अगर इसको ऐसा बना लेते हैं, इसको कुछ ऐसा कर देते हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, तो अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी हो जाती? ये बदल जाती, अब निगेटिव से पॉजिटिव इधर हो जाती। आई बात समझ में? यानी जैसे ही हमने इसकी बैटरी को एक्सचेंज कर दिया, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बदल गई, तो नेगेटिव से पॉजिटिव होती, बदल तो गई लेकिन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये हमें कन्वेंशनली लिया गया है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन क्या अपोजिट में लेते, यानी करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां तक कोई डाउट है? पक्का पक्का ये सारी बातें समझ में आई? तो हमने करंट के बारे में आपको बताया। अब हम बात करते हैं इस पर, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले। ठीक, छोटा सा न्यूमेरिकल। जैसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन 1 एम्पियर करंट कर लोगे आप, डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज कर लोगे आप, व्हेन 6 × 10⁻¹⁸ कूलम ऑफ, सॉरी 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 × 10⁻¹⁸ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, देन इट प्रोड्यूसेस 1 कूलम ऑफ चार्ज। When 1 कूलम of charge flows through a conductor per unit time, then it is called 1 एम्पियर of current। ये सारी चीज हमने ऑलरेडी रिपीट कर दी है आपको। अब इस पे हम एक क्वेश्चन जैसे लेते हैं। हमने बोला कि इफ 5 एम्पियर of current is flows through a conductor in 5 मिनट, फाइंड दी चार्ज। या फिर इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ मच चार्ज फ्लोस थ्रू दैट कंडक्टर, उस कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास देखिए तो सॉल्यूशन में, अगर हम सॉल्यूशन करें, आप खुद से ट्राई करो, 1, 2, 3, 4 पॉज करके ट्राई कर लिया आपने। देखो यहां पे हमारे पास करंट क्या है? 5 एम्पियर। टाइम क्या है? 5 मिनट।
और हमने अभी अभी बताया करंट का डेफिनेशन, वन कूलम चार्ज क्या बताया, सॉरी वन एम्पियर करंट क्या बताया, व्हेन वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन वन सेकेंड देन इट इज वन एम्पियर, यानी हमें यूनिट कूलम और सेकेंड में लेनी है और एम्पियर में लेनी है, मिनट में रखनी नहीं है, इसको हम सेकेंड में चेंज कर देंगे, तो 5 × 60 सेकेंड दैट इज 300 सेकेंड। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, अगर हम टी को इधर लेकर आए तो क्यू इज इक्वल टू आई टी लिख सकते हैं, और I क्या है हमारे पास 5 × t क्या है 300, दैट इज 5 × 3 = 1500 कूलम ऑफ चार्ज, वेन 1500 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 5 मिनट और 300 सेकेंड्स देन 5 एम्पियर ऑफ करेंट फ्लोज थ्रू दैट कंडक्टर। आई बात समझ में, श्योर शॉर्ट हो आप, इस न्यूमेरिकल एक छोटा सा हमने दे दिया ताकि अगर आप यहां पे कुछ भी हो सकता था। अब मान लेते हैं वेन 5 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 5 मिनट या 5 सेकेंड इसको कर देते हैं इस पर, तो फाइंड द करेंट या फिर हाउ मच करेंट फ्लोज थ्रू दैट कंडक्टर। तो पिछले बार आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो पीछे करके आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया हमने तो क्या हो गया, अब हमारे पास Q दिया गया है 5 कूलम, टाइम दिया गया है 5 सेकेंड, अब कहता है I बताइए, तो 5 कूलम क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास Q अपॉन T यानी 5 कूलम अपॉन 5 सेकेंड दैट इज 1 एम्पियर या फिर इसे दूसरी भाषा में 1 कूलम पर सेकेंड। कोई डाउट है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकता था, अच्छे से किया आपने, छोटा छोटा क्वेश्चन आपको फायदा करेगा टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में, इसलिए हम छोटी छोटी सी जो एक छोटा मोटा क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी की बुक में पॉसिबल क्वेश्चन है उसे हम ले लेते हैं। अब एक हमारा टॉपिक बचता है एमीटर, करंट से रिगार्डिंग, तो एमीटर एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो हमें मदद करता है करंट को मेजर करने में, तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट्स That is an instrument, as an instrument that is used to measure electric current. एक ऐसा instrument है जो measure करता है electric current को measure करने में, एक ऐसा instrument है जो electric current को measure करता है, और इसको denote करते हैं हम A से, ऐसे ammeter, ठीक। अब इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी वेरी लो रेसिस्टेंस, बहुत कम रेसिस्टेंस होता है, क्यों सर, या फिर आइडियल एमीटर अगर हम ले लेते हैं, आइडियल एमीटर की हम बात कर ले तो उसमें नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस होता है, क्या मतलब है इसका सर, नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, इसका मतलब ये कि आप खुद सोचो कि अगर एमीटर खुद करंट को ड्रॉप करने लगेगा यानी करंट यूज करने लगेगा अपना काम को करने के लिए, तो कभी भी सर्किट का एग्जैक्ट करंट वो फाइंड आउट कर पाएगा, इसलिए हमें एमीटर ऐसा चाहिए होगा जो कि करंट को ड्रॉप ना करता हो, यानी रेसिस्टेंस उसमें बहुत कम हो, रेसिस्टेंस क्या होता है नेक्स्ट आगे आएगा तो और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि वो अपना काम करने के लिए करंट को ना लेता हो, ठीक। अब इसका इसके रिगार्डिंग एक हम पूरी सर्किट समझाते हैं, देखो तीसरा पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं उसको सर्किट के अकॉर्डिंग समझेंगे, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द सर्किट, सर्किट CIRCUIT CKT शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यह हमेशा सर्किट के सीरीज में कनेक्टेड होता है, और इसकी जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा, और इसकी जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा, ठीक। नोट डाउन किया, इसको मिटाए इसको, चलिए अब इसके रिगार्डिंग हम आपको इसकी पूरी सर्किट बनाकर समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक सर्किट है जिसमें हमारा ये बल्ब है, मान लेते हैं रेसिस्टेंस अब ज्यादा नहीं पड़ा इसमें, नहीं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, फिर यहां पे हमारा एक एमीटर है, यहां पे हमारा एक स्विच है जो क्लोज है, डॉट डाल दिया तो क्लोज है,
ये हमारा एक बैटरी है, ठीक। अब इधर निगेटिव है तो इसके इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा, यानी निगेटिव टर्मिनल इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एमिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यही मतलब था इसका, ठीक। एक सर्किट हमारे करंट फ्लो हो गए, बन गए, जिसमें करंट आई 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 करंट फ्लो कर रही है, ये स्विच हमारा ऑन है यानी क्लोज्ड है, स्विच क्लोज्ड है हमारा, तो सर्किट कंप्लीट है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है और एमीटर क्या है ये मेजर कर रहा है करंट को और हमें बता रहा है कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है कितनी नहीं कर रही है। आई बात समझ में, यह हवा में चला गया, वेरी गुड। आई अब थोड़ी सी हम आपको इस टॉपिक में सभी सिंबल्स बता देते हैं, यहां तक आपके लिए करंट का हमने पूरा का पूरा डिफाइन कर दिया। अब हम आपको इसमें थोड़ा सा सिंबल और एलिमेंट का सर्किट डायग्राम बना के आपको दिखा देते हैं, जैसे एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स और इसकी सिंबल, वैसे एनसीईआरटी में अच्छी तरीके से दी गई है, लेकिन अगर आपके पास बुक अभी अवेलेबल नहीं हो और आप पढ़ना चाहते हो तो छोटी छोटी बातें क्यों छूटे। जैसे पहला अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सेल की, तो इसे सीधा एक ऐसे डिनोट कर देते, ठीक। अगर हम दूसरा बात करें बैटरी की, तो वेन टू और मोर सेल्स कंबाइन टूगेदर इट फॉर्म अ बैटरी। डेफिनेशन भी बन गया, जब दो या दो से ज्यादा सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनती है बैटरी। तीसरा अगर हम बात करते हैं बल्ब की, तो या तो ऐसे बना लो या पूरा बल्ब का स्ट्रक्चर तैयार कर लो, अगर आपके है आप कर सकते हो तो कर लो पूरा बल्ब का स्ट्रक्चर तैयार, कुछ ऐसा होगा, ठीक। तीसरा है हमारे पास चौथा एमीटर के बारे में, तो एमीटर हमारा हमेशा ऐसे डिनोट होता है। पांचवा है हमारा वोल्टमीटर, बहुत ऐसा चीज है जो अभी आपने पढ़ा नहीं, आगे आएगा टॉपिक, सिर्फ सिंबल जान लेते हैं। वोल्ट मीटर भी ऐसे कनेक्ट होता है, ठीक, यहां तक समझ में आया। फिर हम बात कर लेते हैं ज्वाइंट वायर की, अगर ज्वाइंट वायर होगा तो उसकी डिनोशन ऐसे करेंगे, यहां पे ज्वाइंट होगा। अगर हम क्रॉस वायर की बात करते हैं तो ये क्रॉस होगा। अगर हम रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो रेसिस्टेंस हमेशा ऐसे डिनोट होता है, या वेरिएबल रेसिस्टेंस, क्या होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस, ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में जब हम बता रहे होंगे रेसिस्टेंस के बारे में तो डिक्टेट करेंगे, ठीक। वेरी करना रेसिस्टेंस को ऐसे या फिर ऐसे, जैसे चाहे वैसे हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिक सेल हो गई, बैटरी हो गई, बल्ब हो गया, मीटर हो गए, वोल्ट मीटर हो गए, ज्वाइंट वायर हो गए, क्रॉस वायर हो गए, रेसिस्टेंस हो गए, वेरिएबल रेसिस्टेंस हो गए। अगर इसके अलावा कुछ छूटा होगा तो आपके एनसीईआरटी बुक में आप कवर अप कर लेना, बाद बाकी जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे सिंबल और मुहावर छूट गया होगा तो समझा देंगे। तो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया, न्यूमेरिकल भी हमने करवाया, आप एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल जब आप क्रॉस चेक करोगे तो आप देखोगे यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल रिगार्डिंग एनसीईआरटी बुक। चलिए आज की क्लास के लिए बाय, हैव अ नाइस नाइट, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय।